सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है और वहीं राजधानी रायपुर के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सीधे हम ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला से जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्या हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अक्षय तृतीया जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, तृतीया तिथि हो और उस दिन किया गया कार्य अक्षय हो, अर्थात जिसका क्षय न हो, उसको अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। यह अक्षय तृतीया का पर्व जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उस दिन मनाई जाती है। हमारे शास्त्रों पुराणों के अनुसार इसी तिथि को सतयुग का प्रारंभ हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि के भी नाम से जानते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान परशुराम जी का इसी दिन अवतरण हुआ था, इसलिए इनको भगवान परशुराम के अवतार के रूप में भी मनाई जाती है। और इस तिथि को विशेष करके कोई भी किया गया कार्य, चाहे वो पुण्य का कार्य हो, समाज सेवा का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, वह किया हुआ कार्य अक्षय हो जाता है। इसलिए इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा पाप कर्म न हो, अशुभ कर्म न हो, हमारे हाथ से बुरा ऐसा कोई कार्य न हो जिसका भी कई गुणा फल हमको भुगतना पड़े। इसी कारण आज के दिन लोग जो है अक्षय तृतीया को दिन ही घट दान करते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन रहता है, शीतल जल वाला घट प्रदान करने से पूरे जीवन में शीतलता आती है। और इस तरह से लोग अक्षय तृतीया के दिन विशेष करके दान पुण्य कर्म करते हैं, शिव जी में जल चढ़ाते हैं और इसी दिन से ब्राह्मणों को, संतों को, बहु बेटियों को इत्यादि इत्यादि इसी दिन से जो सत्तू दान है, पंखा दान है, आम का है इत्यादि इत्यादि दान इसी दिन करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा में गुड्डे गुड़िया को विवाह भी इसी दिन की जाती है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही रहता है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति, सभ्यता और प्रथा परंपरा से अवगत हो सके। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के जितने गरीब किसान भाई हैं या ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो सब जो है अपने घर में मंडप गढ़ा करके बच्चों को इस दिन गुड्डा गुड़िया को विवाह को समझाते हैं।